नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। बड़े ही दुख की बात है कि चीन और भारत की जो रात झड़प हुई थी उसमें हमारे देश के 20 जवान शहीद होने की अभी जानकारी मिली है। इस जानकारी की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जल्दी इसकी आधिकारिक पुष्टि होने की उम्मीद जताई जा रही है। जबकि इस झड़प में चीन के भी 43 से ज़्यादा सैनिकों के घायल होने की और मारे जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ये जो झड़प हुई है पिछले 45 साल बाद, ये हमारी चीन से पहले ही आमने सामने की ये झड़प है। चीन से हमारा पिछले 45 सालों में कई बार विवाद की स्थिति सामने आई, लेकिन ये जो सैनिकों की आपसी झड़प में शहीद होने की बात आई है ये पिछले 45 साल बाद सामने आई है। पाकिस्तान से लगातार सीमा पर हमारे जवान शहीद होते रहे, हम पाकिस्तान के जवानों को मारते रहे, लेकिन चीन की सीमा पर ऐसा विवाद होने से पहले ही हमारी आधिकारिक बात होने से मामला रुक जाता था। अब हम बात करते हैं कि ये विवाद कितने दिन से पनपा और कैसे आगे बढ़ा, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी लगातार जिस तरीके से चीन से हमारे प्रधानमंत्री लगातार बात कर रहे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बात कर रहे थे, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी बात कर रहे थे, उस हिसाब से लग रहा था कि चीन से हमारे रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे। लेकिन चीन के रिश्ते बिगड़ते बिगड़ते हमारे छोटे से पड़ोसी देश जिससे हमारी रोटी बेटी के रिश्ते हैं, नेपाल भी हमें आंख दिखाता नजर आया और उसने भी अपने एक सदन में नक्शा पास कर दिया। चूंकि देश की सीमा पर हालात बड़े नाजुक हैं, लगातार पाकिस्तान हमारी सीमा पर सीज फायर करके हमें बार बार परेशान किए हुए, इधर चाइना की ये समस्या आज नई खड़ी हो गई है और उधर देश में कोरोना नामक महामारी मुंबई फैली हुई है। देश बड़ी ही विपरीत परिस्थितियों से इस समय गुजर रहा है। देश के प्रत्येक निवासी ने इन 20 सैनिकों की शहादत पर गमजदा हो गया है और इन शहीदों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है। बात यही नहीं है, बात अभी यह भी अंदाज लग रहा है कहीं सैनिकों की संख्या बढ़ भी सकती है, यह भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। हालांकि इस बात की पुष्टि एनआई न्यूज एजेंसी ने कर दी है कि भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। आपको बता दें, सवेरे एक खबर आती है कि एक कर्नल समेत भारत के 3 सैनिक शहीद हो गए। देश में इस बात को लेकर ही बड़ी गमजदा पोजीशन बनी हुई थी, लेकिन अभी अभी मिली जानकारी के मुताबिक जब 20 सैनिकों की बात सामने आई है तो हर आदमी अंदर से रो उठा है। जिस घर का एक बेटा सीमा पर जाके सुरक्षा के लिए खड़ा होता है, उस घर जब यह खबर जाती है तो उसके मासूम बच्चे, उसके मासूम परिवार वाले सभी बड़े बेचैन हो जाते हैं। आज जिनके भी बच्चे, आज जिनके भी परिवार के सिपाही इस चीन की सीमा पर आज होंगे, उन सब के घर शायद ही खाना बना होगा जब ये खबर मिली होगी। क्योंकि अभी केवल सैनिकों के शहीद होने की बात आई है, अभी सैनिकों के शहीद होने की लिस्ट सामने आने के बाद ही उन परिवारों में खाना बनेगा जो इस गालवन वैली में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। चाइना बॉर्डर पर 45 साल बाद ये शहादत की घटना है। भारत और चीन के सैनिकों में गालवन वैली में पत्थर और लाठी से झड़प हुई है। इस पूरे प्रकरण में कहीं भी गोलीबारी नहीं हुई है, कोई भी सैनिक गोली से नहीं मरा है, सारे घटनाक्रम लाठी और इन सब चीजों से ही हुआ है। भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिकों के शहीद होने की बात सामने आई है। फिलहाल हम आपको इस घटना के थोड़े परिक्षेप में ले चलते हैं। चीन ने भारत को 45 साल बाद एक बार फिर धोखा दे दिया है। सोमवार रात लद्दाख की गालवन रैली में बातचीत करने गई चीन की सेना ने भारत की सेना की एक टुकड़ी पर हमला कर दिया। गोली एक भी नहीं चली, लेकिन चीन के सैनिकों ने पत्थरों, लाठियों और धारदार नुकीली चीजों से एकदम भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया, जिसके लिए भारतीय सैनिक पहले से तैयार नहीं थे। इससे भारतीय कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। यह झड़प दुनिया की 2 एटमी ताकतों के बीच लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर गालवन वैली में हुई है।
उसी गालवन वैली में जहां 1962 की जंग में 33 भारतीयों की जान चली गई थी, ये उसी गालवन वैली में घटना घटी है जहां आज से 45 साल पहले 48 साल पहले 33 भारतीय सैनिकों की जान चली गई थी। भारत ने चीन की तरफ से बात इंटरसेप्ट की थी, इसके मुताबिक चीन के 43 सैनिकों के हताहत होने की भी खबर मिली है, लेकिन चीन ने अभी यह बात कबूल नहीं की है। चीन ने 20 अक्टूबर 1975 को भी अरुणाचल प्रदेश के तोलंगला में चीन ने असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर धोखे से एम्बुश लगाकर हमला कर दिया था। इससे भारत के 4 जवान 1975 में भी शहीद हुए थे। इसके बाद 45 साल तक चीन बॉर्डर पर हमारे सैनिकों की शहादत पहली बार हुई है। जो शहीद हुए हैं उनमें बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू शामिल हैं। 2 अन्य नामों की पुष्टि हुई है, वो है हवलदार पालानी और सिपाही कुंदन झा। बाकी नाम अभी सामने नहीं आए हैं। तो सीमा पर, चीन सीमा पर ड्यूटी करने वाले अभी सभी घरों में बड़ी मायूसी बनी है। हम सभी के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं, जो 20 सैनिक शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि नमन करते हैं। सोमवार की रात घटना के बाद चीन डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुट गया है। मंगलवार सुबह 7:30 बजे चीन की पहल पर ही गालवन वैली में मीटिंग फिर बुलाई गई। इसमें दोनों देशों के मेजर जनरल के बीच बातचीत हुई। दोपहर करीब 1 बजे हिंसक झड़प की खबर दुनिया के सामने आई। इसके बाद चीन ने अपना रुख बदल लिया है, वह धमकाने वाले अंदाज में आ गया है। उसने कहा है अब भारत एक तरफा कार्रवाई न करे, नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। चीन के सरकारी अखबार व ग्लोबल टाइम्स ने चीन के विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा है कि बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच रजामंदी बनी थी, लेकिन भारतीय जवानों ने इसे तोड़ दिया है और बॉर्डर क्रॉस कर दिया है। चीन के अखबार के मुताबिक वो कह रहे हैं कि भारतीय जवानों ने पहले बॉर्डर तोड़ा है और क्रॉस किया है। आर्मी की तरफ से जारी बयान में भी यही कहा गया है। कल यानी सोमवार रात को गालवन वैली में डी एस्केलेशन प्रोसेस चल रहा था, लेकिन तभी हिंसा हो गई। हमारे एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। हिंसक झड़प में दोनों तरफ से सैनिकों की जानें गई हैं। देश में लोकतंत्र है, इसलिए हमारे सैनिकों, हमारी सेना ने शहीदों की संख्या बताई है। झड़प की बात सामने के आने के करीब 8 घंटे बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों तरफ नुकसान हुआ है। अगर चीन की तरफ से हाई लेवल पर बनी आपसी सहमति का ध्यान रखा जाता है तो दोनों तरफ से नुकसान को टाला जा सकता है। भारत ने हमेशा सीमा में रहकर ही मूवमेंट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि चीन भी ऐसा ही करे, जिससे हमारे दोनों देशों के बीच की जो संबंध है वो यथावत चलते रहें और हमारे किसी भी देश की किसी भी सैनिक का कोई नुकसान ना हो, कोई भी सैनिक शहीद ना हो, हमारे बीच की जो दूरियां बढ़ी हैं वो एक बार फिर खत्म हो जाएं और चीन अपनी तरफ अपनी सीमा में रहे और भारत अपनी सीमा में रहे और दोनों देशों के संबंध यथावत चलते रहें। बीजिंग में भारत के राजदूत विक्रम मिश्री ने चीन के उपमंत्री लुओ झाओई से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि गालवन वैली ने झड़प के बाद भारत के 32 जवान लापता हो गए थे, ज्यादातर अपने बेस पर लौट आए हैं, लेकिन 4 अब भी लापता बताए जा रहे हैं। सेना या सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। पहले माना जा रहा था लापता सेना के जवान नहीं बल्कि रोड कंस्ट्रक्शन के वर्कर हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और आर्मी जनरल नवराड़े ने देर शाम के समय रक्षा मंत्री राजनाथ से मिलने उनके घर पहुंचे। सेना के सूत्रों के मुताबिक चीन ने सुबह से ही 7:30 बजे मीटिंग की पेशकश रखी। इसके बाद मेजर जनरल लेवल की बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के चीफ और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मीटिंग की। CDS बिपिन रावत, तीनों सेना के प्रमुख और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ लंबी मीटिंग के बाद राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पहुंचे हैं। राजनाथ ने लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य झड़प पर प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, पूरा मामला बताया है। उसके बाद यह खबर मीडिया में आई कि देश के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। स्पेशल कवरेज न्यूज एक बार फिर सभी सैनिकों को नमन करते हुए उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसके बारे में अभी जल्दी कोई अपडेट मिलता है तो फिर हम आपके साथ सामने हाजिर होंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारी खबरें। स्पेशल कवरेज न्यूज .in को लॉग इन करें और पढ़ें हमारी सभी